धर्मशाला से पूर्व विधायक ने कहा, सत्ती के खिलाफ मानहानि का करूंगा केस। हिमाचल प्रदेश में दो विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद अब बयानबाजी का घमासान मच गया है। धर्मशाला से पूर्व विधायक रहे और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो सत्ती के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकेंगे। दरअसल सत्ती ने कहा था कि चुनाव लड़ने को लेकर सुधीर शर्मा उनके संपर्क में है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और कद्दावर नेता सुधीर शर्मा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालिया बयान में कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयानों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वो उनके खिलाफ जल्द ही मानहानि का दावा करेंगे। सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती सत्ता के नशे में चूर होकर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने ना कभी चुनाव लड़ने के लिए भाजपा नेताओं से संपर्क साधा है और ना ही कभी उनके लिए किसी नेता से मुलाकात की है। सुधीर शर्मा ने यह भी कहा कि ये भाजपा नेताओं की खुद की खुराफात है, जिसके जरिए उन्होंने मेरे राजनीतिक करियर को धूमिल करने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं सुधीर शर्मा ने यह भी कहा है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना ही होता तो वो अपनी पार्टी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ते। उन्हें अपनी पार्टी का दामन छोड़कर कहीं और जाने की कोई जरूरत ना थी और ना ही आगे होगी।